नहीं है, राहुल गांधी का चांस है अब 100%। अभी फुल बहुमत में आया राहुल गांधी। कैसे मिलेगी बहुमत? पब्लिक सपोर्ट कर रहा, पब्लिक के अंदर चाहत है उसका। आज जो है ना, एक आदमी के पास नहीं हो, जितने भी गरीब से गरीब भी बचे हैं उनके 10-10 पॉइंट दिया रहा है, ठीक है। मोदी नहीं, आपके कर्म देगा। मोदी जी कौन होते देने? अपना कर्म किया हूँ, मैं अपना कर्म किया हूँ तो आज 16 कपड़ा है। मोदी जी जितना कांग्रेस का काम किया गया है आज तक कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत चीज बेच दिए, 600 जो गया 1200 था 600 हो गया, कहाँ से आ गया 600? कल पहले था, पहले मजदूर 1500 पे काम करता था और 400 पे कैसे मिलता था, आज मजदूर 15000 मिलता है तो 1200 पे कैसे मिलता है? अगर महंगाई बढ़ा है तो तनख्वाह भी बढ़ा है। नमस्कार, इसको नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए अपने स्तर से तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो बराबर का नजर आ रहा है और इस बार मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा केंद्र में अपनी सत्ता काबिज रखना। तो आज हम इसी पर बात करने के लिए पटना की जनता के सामने मौजूद हो गए हैं और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या केंद्र में इस बार फिर से मोदी सरकार आ पाएगी या नहीं। प्रभाकर झा, क्या लगता है इस बार भी केंद्र में मोदी सरकार आएगी? 100%। अच्छा, अपने काम के बल पर आ रहे हैं। कौन सा काम अच्छा लग गया आपको? कौन क्षेत्र में ऐसा काम नहीं गया? जो मेरा 10वां स्थान था, मेरा 5वां स्थान आ गया मेरा देश को। अब क्या चाह रहे हैं? जो मेडल एक दूठो नहीं आता था, 120 मेडल आया अभी तत्काल एशियन गेम में, तो अब क्या चाह रहे हैं? देश के ऊपर काम हो रहा है। मेडल लाने में भी मोदी जी को ही क्रेडिट देंगे। जब आप खेल का प्रोत्साहन देंगे तब, नहीं तो इसको प्रोत्साहन नहीं मिलता था आपको, जैसे कुछ है ही नहीं। मेडल लाने वाली जो भी महिलाएं हैं, रेसलर्स हैं, वो सड़क पर थी, उन पे लाठी डंडे चलाए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से, तब क्या कहें? ये राजनीतिक प्रोसेस है, राजनीतिक थी। अच्छा, जो आपको वे कुश्ती वाले जो थे, वे आप जब अभी काम नहीं कर रहे थे तो देखे गए तो वहाँ उतना कोई कुछ नहीं, कोई मेडल नहीं लाए, क्या किए हुए वे एक महीना बैठे रह गए। क्या लगता है आपको इस बार मोदी सरकार आ पाएगी केंद्र में? मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी को जो सब दावेदार बता रहे हैं कि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो ऐसे में कैसे मोदी जी आएंगे बताइए? वो तो कोई मुकाबला में ही नहीं है, उनको तो बोलने का भी ढंग नहीं है किस तरह से बात किया जाता है। अच्छा। जब प्रधानमंत्री को ही गाली देते हैं तब तो। अच्छा। और क्या ज्यादा बोले। क्या लगता है इस बार केंद्र में मोदी जी फिर से आ जाएंगे? चांस नहीं है, राहुल गांधी का चांस है अब 100%। अभी फुल बहुमत में आया राहुल गांधी। कैसे मिलेगी बहुमत? पब्लिक सपोर्ट कर रहा, पब्लिक के अंदर चाहत है उसका। अच्छा। पब्लिक जो है महंगाई से चूर हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, हर चीज का रेट आसमान छू रहा है, गैस 400 वाला जो है 1200 रुपए हो गया, गरीब आदमी खाएगा क्या कि मोदी जी का 200 रुपए कम तो कर दिए। 200 से कम से क्या होगा? मोदी जी का शकल देखने पेट थोड़ी भरेगा कि जनता को अनाज चाहिए। अच्छा। पेट भरने के लिए सही चीज चाहिए ना, इतना महंगाई रहेगा जी कैसे जिएगा आदमी। अच्छा। बोलिए तो क्या अगर केंद्र में राहुल गांधी आते तो महंगाई कम हो जाएगी? हाँ, एकदम कमेगा ही, देख लीजिएगा आप। अच्छा। भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, देख लीजिएगा। अच्छा। अब एक बार जो है वही कांग्रेस का सरकार है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है केंद्र में इस बार मोदी सरकार ही आएगी? मोदी सरकार क्यों? ये देखिए, मोदी सरकार जो अपना वादा किए थे वो पूरा किए, ठीक है। सबसे पहला 370 हटवाएं। अच्छा। ये सब काम हुआ, राम मंदिर का मुद्दा था। हाँ। कितना साल से अटका हुआ था, राम मंदिर बना, उससे बेरोजगारी नहीं होगा, बेरोजगारी उससे बेरोजगार उसको वो नौकरी मिलेगा राम मंदिर बनने से। अच्छा, राम मंदिर बनने से कैसे नौकरी मिल जाएगी? अरे क्यों नहीं मिलेगा, वहाँ जो परिसर में काम करेगा लोग। अच्छा। तो वहाँ मिलेगा कि नहीं? अच्छा। आसपास में जितना भी डेवलप नहीं है उस जगह, तो डेवलप होगा, दुकान बनेगा, तो बेरोजगारी नहीं है। लोग कहने वाला कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अच्छा। बेरोजगारी नहीं है, जितना बेरोजगारी नहीं है, है मानते हैं, लेकिन 70 साल में क्या हुआ कांग्रेस सरकार में? अच्छा। कितना रोजगार मिला? लेकिन 9 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना, तो 9 साल से क्यों नहीं हुआ? जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में कर देना चाहिए था। कचरा 70 साल का भरा हुआ है, उसको हटाने में भी समय लगेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन होगा। अच्छा। नरेंद्र मोदी की सरकार में इंडिया
अच्छे पोजीशन पे जा रहा है जी, इंटरनेशनल लेवल पर। क्या लगता है इस बार केंद्र में कौन आएंगे? हम तो कांग्रेस को साथ देते हैं, कांग्रेस अच्छा है, मोदी से तो लाख गुना अच्छा कांग्रेस हमारे लिए, कि वो हर किसान का घर में जाके हेल्प करता है सबका, वैसा मोदी को हम देखे ही नहीं है हर जगह हम, यानी कि कांग्रेस का हम सपोर्टर हैं फुल, क्योंकि कांग्रेस उनको पसंद, वो हमारे भी गांव में आए हैं, सारा काम किए हैं और कांग्रेस हमारे लिए ठीक नेता है। अच्छा, आपके गाँव में आए राहुल गांधी जी? यानी कि हमारे जैसे गाँव में जाते हैं ना वो, आम गाँव में, तो इसलिए मोदी कहीं वैसा। लेकिन विपक्ष तो बोलती है कि वो सब दिखावा है जो गांव में जाते हैं, वो भी मदद तो मोदी नहीं करते हैं ना, मोदी वो भी तो नहीं करते ना, कम से कम कांग्रेस जाके दिखावा करते हैं। तो दिखावा कर देंगे तो आप लोग खुशी खुशी वोट दे देंगे, काम से मतलब नहीं है, काम से मतलब वो वैसे दिखावा से क्या होगा फिर, वो दिखावा नहीं करते, कांग्रेस रियल में किए हैं, बहुत लोगों का हेल्प किए हैं जी। सबसे पहला चीज होता है मैम, देखिए देश को जो इंटरनेशनल अपना बॉर्डर है उसको सुरक्षित करना, ठीक है, जो अपना अपना सुरक्षित अपना इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे पाकिस्तान पर, ठीक है, कहले कश्मीर में क्या था, हर जगह मतलब हर दिन आपको कहीं पर बम ब्लास्ट हो रहा है, गोली चल रहा है, इस टाइप का कांड होता था वहाँ पर। लेकिन अभी जो है, अभी के मामले में नहीं है कश्मीर में ऐसा, हम कश्मीर होकर आए हैं, हम वहाँ का रियलिटी देखे हैं तब हम बता रहे हैं, ठीक है। कश्मीर में एक एक कश्मीरी बोल रहा है कि नहीं पहले से बेटर, अभी हम लोग का यहाँ पर चल रहा है कश्मीर में, हाँ बोल रहा है, वहाँ पर पर्यटन आ रहे हैं घूमने के लिए, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, सब कुछ देख रहे हैं वहाँ पर, पहले से बेटर वहाँ बता रहे हैं कश्मीरी लोग। अच्छा, तो कश्मीर तो वो पुरानी बात हो गई है, तो अब नया मुद्दा तो लाना चाहिए ना जनता के लिए, बेरोजगारी है, ठीक है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, ये बोल सकते हैं कि काम करना चाहिए उनको जी, थोड़ा महंगाई जो है थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल हो तो बेटर है, लेकिन मोदी सरकार बेस्ट है इंडिया के लिए। महंगाई तो बढ़ ही रही है, कंट्रोल कहाँ हो रहा है? बढ़ रही है ना, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। क्या लग रहा है कि महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, महंगाई बढ़ और ही बढ़ रहे हैं, अभी जब वोट आते हैं उसके बाद घटाते हैं, बाकी तो बढ़ा ही रहता है, इलेक्शन हुआ फिर जो रहता है पोजीशन वहीं पहुंच जाता है, इलेक्शन आते ही वो डाउन होता है, फिर इलेक्शन करता है सरकार बना, फिर पोजीशन वहीं आ जाता है। क्या कह रहे हैं आप? मोदी तो देश चाहिए बेते बेते देशों को बेचने लगा है। अच्छा, किसको बेचे हैं? देश बेच रहा है, ट्रेन बेच, किसको बेचे हैं? ट्रेन बेच दिया, रेलवे बेच दिया, किसको बेचे हैं ये बताइए? किसको बेचे हैं? प्रधानमंत्री बेचे हैं, मोदी बेचे हैं, किसको बेचे हैं? आप अगर कुछ बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा होगा ना, तो खरीदने वाला कौन है? आम लोग, पब्लिक लोग खरीद रहा है, पब्लिक लोग खरीद रहे हैं, आमदनियत कर दिया, मेरे पास थोड़े बेचेंगे, हमारे पास पैसा है, हम ले सकेंगे, खरीद सकेंगे हम, पैसा बहुत चीज बेच दिए, 600 जो गैस 1200 था 600 हो गया, कहाँ से आ गया 600? कल पहले था, पहले मजदूर 1500 पर काम करता था और 400 पर गैस मिलता था, आज मजदूर 15000 मिलता है तो 1200 पर गैस मिलता है, अगर महंगाई बढ़ा है तो तनख्वाह भी बढ़ा है, कहाँ महंगाई बढ़ा है? अगर आप 400 का गैस उठा रहे थे जिस टाइम, उस टाइम 1500 पर काम कर रहे थे, फिर आज अगर गैस 1500 का होते 1500 मजदूर काम कर रहा है। तो इस बार केंद्र में मोदी जी ही आएंगे? इस बार नहीं, इसी बार नहीं, अभी कब तक रहेंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अगर अफिडेविट ले लीजिए, अगर इतना आदमी के बीच में कहते हैं अगर मोदी नहीं आएगा तो हम बनिहारी करेंगे, जिसके अगर बोल दीजिएगा, अगर इस बार मोदी हर जगह, मोदी गलत है तो दो बार कैसे प्रधानमंत्री बन गया? कम से कम एक बार ठग दिया, दो बार ठग दिया, बार बार कैसे ठग रहा है? और उसमें पावर है तो दो बार कैसे बन गया? और ज्यादा बहुमत से महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है? नहीं कमाइएगा तो कौन बैठकर खिलाएगा? किस कौन ना, कितना परसेंट वाले हैं? अगर ये अगर लेने के फेरा में पड़े हुए, अगर अच्छा, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपको जय भारत जय हिंद, मैं आर्मी से हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, अभी बच्चों को जो है ना बहुत यहाँ राजनीति कर रहे हैं, मोदी सरकार में जो है ना देश मजबूत हुआ है, सेना मजबूत हुई है, और जिसको थोड़ा शक था कि अग्निवीर, तो अग्निवीर का आज जो इजराइल का हालात देख रहे हैं, इसलिए भारत को भी अग्निवीर किया गया है कि सभी जो है ना सैनिक जितने भी हैं वो ट्रेन सोल्जर एक बन चुके होंगे, कि जब भी मेरे से बात कर रहे, मैं अभी सुन लीजिए, 2014 से पहले हमारे जो सैनिक थे वो कमजोर थे। नहीं सुनिए, अब सुन लीजिए, ये भी बात सुन लीजिए, जो इन लोगों के जो है, हम लोग जहाँ आए हैं उस स्तर पर बता रहे,
अग्निवीर से क्या घटा है? अग्निवीर में जो भी बंदे आएंगे तो ये नहीं कि उनको नौकरी नहीं मिलेगा, आज कहाँ मिलेगा आपको? डीएससी में जाएंगे, डीएससी में जाएंगे, कैसे खेलेंगे? डीएससी में जाएंगे भाई, आपको पता नहीं है? 2014 से पहले हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया चीन ने 62 में, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार में एक सेंटीमीटर भी बढ़ने की कोशिश चाइना हो या पाकिस्तान हो या जो भी हो, नहीं हिम्मत जुटा रहा है, नहीं जुटाएगा। जब तक मोदी है हर काम जो है मुमकिन है। क्या लगता है इस बार केंद्र में मोदी जी हैं? जी बिल्कुल, हम लोग का तो चाहे कि नहीं हमारे मोदी जी ही आए, क्योंकि इससे हमारे देश मजबूती में है और हमारा विश्व में एक अभी स्थान है भारत का, और कांग्रेस की सरकार में ये स्थान नहीं था। कभी भी कोई मतलब कोई मुद्दा इस तरह का आता था तो इंडिया वाले पीछे हट जाते थे, लेकिन अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सबसे आगे खड़ा होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका भी हो, तो उससे भी हम लोग डरते नहीं है, उससे भी सामना करते हैं। हमारा कहने का मतलब है ना मैडम कि बोला जा रहा है कि सरकार जो है बहुत महंगाई है। आज बताइए कि जो भी 40 से 50 साल के हैं, जो भी 40 50 से पहले के हैं, उनको पहनने के लिए एक पैंट नहीं मिलता था। उनकी शादी होती थी दूसरे गांव गांव से लेकर के, दूसरे कपड़ा लेकर के, रिच मैन को कपड़ा लेकर के शादी में पहनने के जाते थे। आज जो है ना एक आदमी के पास नहीं हो, जितने भी गरीब से गरीब भी बचे हैं उनके 10-10 पॉइंट दिया रहा है। ठीक है, मोदी नहीं आपके कर्म देगा, मोदी जी कौन होते देने? अपना कर्म किया हो, मैं अपना कर्म किया हूँ तो आज 16 कपड़ा है। मोदी जी जितना कांग्रेस का काम किया गया है आज तक कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म पर, और कांग्रेस की सरकार आपको फ्री के राशन नहीं चाहिए सर, आपको घुटने से बना करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस यहाँ गया है भारत तोड़ने का नारा लगाया है सिस्टर। जहाँ भी राहुल गांधी गया पाकिस्तान में जाकर हिंदुओं का टुकड़ा करने का बात की है, जहाँ भी गए हिंदू विरोधी बात की है, राहुल गांधी जहाँ भी गए हैं हिंदुओं के विरोध में बात की है, कहीं भी गए हैं, और उनको गांधी कहना ही मत चाहिए, गांधी तो है भी नहीं किया, उनका उनका दादा फिरोज खान थे, वो गांधी कैसे हो गए? राहुल गांधी का दादा का नाम फिरोज खान था, राहुल गांधी कैसे हो गए? राहुल गांधी हरदम परिवार से बात को, जब भी होगा तो राहुल गांधी मतलब गांधी परिवार का प्रधानमंत्री क्यों होगा? दूसरे के परिवार को भी होना चाहिए। पर्सनल मत कीजिए, बताइए कि हम लोग आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं, बेरोजगारी पे बात करने के लिए आए हैं, गरीबी। केंद्र में कौन आएगा इस बार बताइए? केंद्र में राहुल गांधी, यस 100%। यहाँ तो कई सारे लोग कह रहे हैं, मेरे तरफ से उनको दुआ है और वो आए, और जो बेरोजगारी है युवाओं में, जो गरीबी है, जो होपलेस युवाएं हैं, मतलब हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, आज तक मेरा जॉब नहीं लगा। मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और समझ जाइए कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, वो हम मतलब बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और आमदनी का कोई स्रोत नहीं हो पाया आज तक। अब बताइए कि हम क्या करें, और सब जातिवाद में बटे हुए हैं, कोई अपने जाति का बात कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, लेकिन हम लोग को टॉपिक करना चाहिए बेरोजगारी, युवाओं की जो कमजोरी है वो, और शिक्षा पे। तो लेकिन शिक्षा पे, बेरोजगारी पे ये सब टॉपिक बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये 15% लोग हैं जो पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं? हम बोल रहा हूँ टैक्स पर बात कर दिए भैया, बता रहा हूँ, जो सरकार को जो आदमी टैक्स नहीं देगा देश मजबूत नहीं होगा, यही चल रही है आपको अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के आपने बिहार के देखिए जाकर के, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक एक बंदे टैक्स देते हैं, वहाँ के जाके सर सफाई या एक देखिए व्यवस्था जो कि बॉर्डर पर है, तो टैक्स से मत घबराइए, कमा रहे हैं टैक्स देंगे सरकार को। आप पहले देखिए कि देश गुलाम हुआ था तो टैक्स लेता था कि नहीं, आपसे लेता था? चाय बेचने टैक्स कुछ देंगे, और चाय बेचने टैक्स देंगे, बताइए, चाय बेचने टैक्स देंगे? इनकम है ना सर, कहाँ से इनकम है? चाय आप भाइयों बहनों, मैंने तो 35 साल भीख मांगा है रेलवे स्टेशन पे, मेरा क्या है? सेना से ज्यादा पैसा चाय को सुनने वाला ले रहा है,
ठेला वाला कमा रहा है, एक सेना से पैसा चाय बेचने वाला से बेचने वाला ले रहा है, एक सेना से ज्यादा पैसा कमा रहा है चाय बेचने वाला। तो ये रोजगार तो नहीं है ना, ये तो जीविका है। रोजगार रोजगार कौन कहता है कि नहीं है, रोजगार है। जिसके पास टैलेंट है, सुनिए, जिसके पास टैलेंट है उसके पास रोजगार है। जो टैलेंट लटके हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों की है, जुमला खोली जो है उस रुक गए, जुमला खोली है कि पैसा दे दे के कर रहे हैं, अच्छे बंदे को नहीं मिल रहा रोजगार, बहुत ऐसे है। ठीक है, मोदी का जो घोषणा है वो कहाँ गई? रोजगार के मुद्दा पे बात होना चाहिए। हम युवाओं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, इस मुद्दा पे बात होनी चाहिए। हम मोदी के दादा के नाम और राहुल गांधी के बाप दादा खोजने से हमको नहीं मिलेगा रोजगार।